दोस्तों लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। रिलीज हो चुकी है। करीना कपूर के साथ एक बार फिर आमिर खान की जोड़ी बनी है। लाल सिंह चड्ढा को कई दिनों से बॉयकॉट मांगने की मांग हो रही है। अब फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं? हमेशा याद रखें। कोई फैसला लेने से पहले आप ये रिव्यू देख लें, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों इसके सबसे पहले हम स्टार कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले आमिर खान, करीना कपूर, मोना सिंह, चैतन्य अक्कीनेनी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इसकी प्रोड्यूसर की बात करें दोस्तों, इसे अद्वैत चंदन ने इसको प्रोड्यूस किया है। मूवी कैसी है तो इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसके सेंट्रल कैरेक्टर के नाम हमें पहले ही मालूम पड़ जाते हैं, हमें 20 मिनट में समझ आ जाता है कि ये फिल्म एक बायोग्राफी है। दोस्तों लाल सिंह चड्ढा की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि वो लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान एक ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, उन्हें कहीं से कहीं पहुंचना है, लेकिन रास्ते में वो लोगों से बात करता है। यहीं से सारी कहानी की उत्पत्ति होती है, यहीं से पूरी मूवी की शुरुआत होती है। दोस्तों इसकी कहानी क्या है? लाल सिंह चड्ढा असल में विकलांग, आपकी भाषा में बात करें तो उन्हें दिव्यांग भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी मां मोना सिंह इस बात में विश्वास रखती है कि उनका बेटा किसी से कम नहीं है। यहीं से लाल सिंह स्थापित होना शुरू होता है। दोस्तों ये बात आपने ट्रेलर में भी देखी होगी, ये सीन आपको ट्रेलर में भी दिखाया गया है। यहीं से लाल सिंह की कहानी शुरू होती है। लाल सिंह के जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत मालूम देती है जो उसे आगे बढ़ाने के लिए, धक्का देने के लिए जरूरी होते हैं। डॉक्टर लड़की बराबर है उसके दौड़ने के लिए, उसकी दोस्त रूपा ने कहा था भाग लाल भाग। दोस्तों ये डायलॉग फिल्म का फ्रेज बन के आगे आता है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। भाग लाल भाग, ये बात उससे अलग अलग तरीके से कई दोस्तों से कहते हैं और वो अपने इन सभी दोस्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। लाल सिंह अपनी पूरी यात्रा में हमें सिखाता है कि हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। अंत में पता पड़ता है कि लाल सिंह चड्ढा असल में सिर्फ और सिर्फ भाग सकता है। जब वो भाग रहा था उस बीच उसने अपना जीवन जिया, बल्कि और न जाने कितनों को जीना सिखाया, बेहद अच्छे तरीके से जीना सिखाया। दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देश के प्रति कुछ कम सामने रखी थी तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, फिल्म देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, वरना दोस्तों इग्नोरेंस में इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। दोस्तों लाल सिंह के जीवन जीने के इस तरीके से हम खुद को ढूंढ पा रहे थे। दोस्तों आपको बता दें ये बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार फिल्म है। बहुत समय बाद ऐसी फिल्म आई है जो अपने कंटेंट और स्टोरी की वजह से बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी। इस फिल्म में ऐसा कोई सुपर स्टार नहीं है जो लिरिक्स के बगैर डांस करते हुए माहौल सेट कर दे। इस फिल्म में कोई ऐसा स्टार नहीं है जो बस अपनी बाहें खोले और लोग बेहोश हो जाए। इन सभी चीजों के बावजूद लाल सिंह चड्ढा वो फिल्म है जो आपको पकड़ के रखी थी, लास्ट तक आपको पकड़ कर रखी थी। सिर्फ आपको ही नहीं आपके परिवार को भी दिखाने जाएंगे तो आपकी फैमिली ग्रुप में भी ये सभी फिल्म देखने को कहेंगे। जी हाँ, इस फिल्म में भारतीय इतिहास का जिक्र आता रहा है, जगह जगह पर भारतीय इतिहास का जिक्र भी किया गया है, चाहे वो देश की आजादी हो, सिखों के खिलाफ की हिंसा हो, बाबरी मस्जिद ढहाने वाला समय हो या कुछ और, उस समय के साथ पूरा इंसाफ किया गया है। दोस्तों यदि आप में इतना कीड़ा है कि आप इतिहास की तह में जाकर खटमा ढूंढते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इक्का दुक्का चीजें अपनी जगह से हिली हैं। दोस्तों ये मूवी लिखने वाले की जीत स्थापित करती है। फाइनली दोस्तों ये बात सच है कि लाल सिंह चड्ढा एक अंग्रेजी फिल्म फॉरेस्ट गंप की कॉपी किया गया है, लेकिन अतुल कुलकर्णी द्वारा लिखी गई ये फिल्म अंग्रेजी पिक्चर में बहुत आगे की चीज है। भूल जाइए, आपने फॉरेस्ट गंप देखी है, बात भी होगी तो समझ जाएंगे कि एक अनोखा मामला है। अतुल कुलकर्णी आमिर खान को इस फिल्म के लिए जितनी हो सके शाबाशी मिलनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, आपने इस मूवी को कितने स्टार दिए हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मैं इस मूवी को 5 में से 4.2 स्टार दे रहा हूँ। बाकी आपने कितने स्टार दिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। बाकी आपको इस वीडियो से कोई शिकायत हो तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वरना आपसे मिलने आऊँगा नई मूवी रिव्यू के साथ।